प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। हाल ही में भारत सरकार 3 अध्यादेश लाई है जो अधिकतर किसानों के फायदे में है। मैं सभी पहले तो सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप इन तीनों अध्यादेशों को पढ़ें और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। किसान साथियों, इस अध्यादेश में कहीं भी एमएसपी को खत्म करने का निर्णय नहीं लिया गया। एमएसपी बादस्तूर जारी रहेगी, मंडियां हमारी चलती रहेंगी। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ये भी कोई जबरदस्ती नहीं है, किसान की मर्जी के ऊपर है। किसान चाहे कॉन्ट्रैक्ट किसी फर्म के साथ करे या ना करे, क्योंकि शुगर मिल भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिर्फ हमारा वो गन्ना लेता है, जमीनों पे कब्जा नहीं करता। वो अपना बॉन्ड भरवाता है गन्ना लेके, जमीन हमारे हमारे पास है, हम उसमें आगे गन्ना बिजाई करें या ना करें वो हमारी मर्जी के ऊपर है। तो ऐसे ही वस्तु अधिनियम है, इसमें जो जरूरी वस्तुएं हैं तिलहन दलहन उनको बाहर रखा गया है ताकि कालाबाजारी ना हो। तो किसान भाइयों, विरोध के और बहुत तरीके हो सकते हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से विरोध कर सकते हैं या अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो मैं दोबारा अपील करूंगा कि आप इन तीनों अध्यादेशों को पढ़ें। सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं, जैसे फसल बीमा योजना है, उसमें भी किसानों के साथ धक्काशाही नहीं है, किसान की मर्जी के ऊपर है, किसान अपनी फसल का बीमा कराए या ना कराए। दूसरे किसान सम्मान निधि योजना है, वो भी भारत सरकार ने चलाई है। तो कई कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनके रिजल्ट आपको मिलने शुरू होंगे। तो मैं दोबारा अपील करता हूँ कि इन अध्यादेशों को पढ़कर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया सब किसान दें।